हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अनमोल। दोस्तों, इससे पहले मेरा एक और चैनल था जो कि अभी डिलीट हो चुका है गाइस। तो मैंने उस चैनल से बहुत सारा एक्सपीरियंस किया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस चैनल पे मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर जो है गेन किए थे उस समय, और 4 लाख सब्सक्राइबर गेन होने के बाद मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो गया था। उस चैनल से मैंने बहुत सारा शिक्षा लिया, बहुत सारा नॉलेज लिया, 2 साल काम किया, तो खुद का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका एक ही मोटिव है कि आप यूट्यूब पे आए हो, और यूट्यूब पे आए हो तो आप पैसेंस रख रख के हार गए हैं, ठीक है। आपने वीडियोस भी अपलोड कर दिया है, 70 वीडियो 80 वीडियो भी अपलोड कर दिया होगा या 100 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे, लेकिन आपका चैनल जो है बूस्ट ही नहीं हो रहा है, आपका व्यूज जो है आ ही नहीं रहा है। क्या रीजन है, क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल था इससे पहले वो भी इसी तरह का होता था, और मैं जब शुरू शुरू में वीडियोज डालता था मुश्किल से 20, 30, 25, 50, जो कि आप लोगों के साथ अभी हो रहा है, 100 इस तरह का व्यूज आता था मुश्किल से गाइस, 500 व्यूज आता था या 1000 व्यूज मुश्किल से आता था। उसके बाद दोस्तों मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे काम करना और जारी रखा, ना कि मैंने छोड़ा, ना कि मैंने पैसेंस को छोड़ा, ठीक है। यूट्यूब पे आप जब काम करते रहते हैं धीरे धीरे तो आप हर एक चीज को सीखते रहते हैं, आपसे गलतियां होती है आप उस पर सुधार करते हैं, नॉलेज आती है कॉपीराइट क्या है, हैशटैग कैसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे दें, टाइटल कैसे दें, तो बहुत सारी जो टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज हैं वो आती हैं और उसे हम सीखते हैं। जब हम सीखते हैं तो हम एक और सीखते जाते गाइस, और हमारे में नॉलेज बढ़ते जाती है। तो गाइस, नॉलेज जब हमें बढ़ते जाती है तो हमारा जो चैनल है और जो हमारे बोलने का तरीका या फिर हमारा जो वीडियो है वो तगड़ा निकलने लगता है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे कुल मिला बात ये है आज की, कितना दिन पैसेंस रखना है और मैंने कितना दिन पैसेंस रखा, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ था। दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो मैंने लगभग 8 महीने तक काम किया, 8 महीने तक काम करने के बाद उस पर वीडियोस पे कुछ व्यूज ही नहीं आते थे, बहुत खत्म व्यूज आता था। इसके बाद दोस्तों मेरा जब 9वें महीने में चढ़ा और 9 महीने में जैसे मैंने गया तो उस समय मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे अचानक से बूस्ट मिल गया, मतलब मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था जो कि फोन पे से रिलेटेड था, तो उस समय मेरा ये वीडियो वायरल हो गया था और वो वीडियो अच्छा खासा चल गया था, जिसके कारण मेरे चैनल को बूस्ट मिल गया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन हो गए। उसके बाद से जो मेरा चैनल था वो एकदम चलता गया और अच्छे खासे व्यूज आने लगे उस पर, और अर्निंग भी अच्छी खासी होने लगी। महीने के लगभग 50,000-60,000 तक मैंने उस चैनल से उठाया था, तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पैसा भी है, ठीक है, पैसा भी बहुत अच्छा खासा है गाइस। एक जॉब को ये छोड़ देता है पीछे, अगर आप अच्छे से इस पर काम करते हो तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैंने 8 महीने तक मेहनत किया फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने 9वें महीने में अच्छे खासे मेरा जो चैनल है वो चलने लगा और मेरा ये एक वीडियो जो है वायरल हो गया। तो इसे कुल मिला के बात यही निकलती है गाइस कि आपको पैसेंस बहुत ही जरूरी है इस पर रखना। 8 महीने का अगर आप पैसेंस रख लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है आपका चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि गाइस 8 महीने का पैसेंस रखना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 8 महीने तक आप लगातार वीडियोस बनाते हैं, आप लगातार काम करते हो यूट्यूब पे, तो आप सीख जाते हैं, हर एक चीज को सीख जाते हैं और आप में एक पैसेंस आ जाता है। जब आप 8 महीने तक वीडियो बनाइएगा तो आपको फिर वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और आप वीडियो बनाते ही रहिएगा, जिसके कारण जो है आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो अगर आप 1 साल तक अगर वीडियो बनाते हैं रेगुलर, बिना किसी इनकम के, बिना किसी पैसे के सोच के, तो गाइस आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा, ये मेरा गारंटी है, आप लिख लीजिए कागज पे, ठीक है। तो गाइस, आप यूट्यूब पे आइए, टाइम बांध लीजिए कि मुझे 1 साल तक काम करना है, मुझे 2 साल, मुझे 3 साल तक काम करना है, तो इस तरह से आप एक टाइम बांध लीजिए। जब आप एक टाइम बांध लीजिएगा तो उस टाइम पे आप काम कीजिएगा, पूरा फोकस आप यूट्यूब को दीजिएगा, हर एक चीज यूट्यूब से ही सीखिएगा और यूट्यूब पे ही बनाइएगा, डालिएगा वीडियोज, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा, आपका भी वीडियोज वायरल होगा, आपके भी चैनल को बूस्ट मिलेगा और एक दिन आप भी सक्सेस कीजिएगा, अच्छा खासा पैसा कमाइएगा। अगर आप एक जॉब करते गाइस, जैसा कि मैं पहले करता था, ठीक है, एक जॉब करता था जो कि रेपिडो है, तो उस पर क्या होता था, मैं काम करता था, दिन रात मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करने के बाद उससे इनकम जो होता था वो 15,000 से 16,000 हो पाता था, और इस तरह से कितना कम इनकम था सोचिए, 1 साल में कितना इनकम होता, 1.5 लाख और इधर 30, 1,80,000 इनकम होता 1 साल में, ठीक है। तो
तो 1,80,000 इनकम होता। और अगर अगर मैं अगर YouTube ज्वाइन करता हूँ तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, अगर आपका चैनल अच्छा खासा चल गया ना, तो आप 2 महीने या 3 महीने में 1,80,000 रुपया कमा जाइएगा। तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा है, इनकम है। तो एक अच्छे खासा जॉब को पीछे छोड़ सकता है, और मेहनत भी नहीं है, केवल आपको फोकस लगा करना पड़ता है, पैशंस रखना पड़ता है, और थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है। सारा खेला जो है दिमाग का है और थोड़ा सा सुधार का है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो जो है वायरल होते हैं, यूट्यूब भी आपके चैनल को प्रमोट करता है, यूट्यूब चाहता है कि आप नए हैं तो आपका भी आप भी ग्रो करो, ताकि आपको यूट्यूब को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, और इस तरह से यूट्यूब जो है चलाते रहता है। पुराने क्रिएटर्स को भी रखेगा, नए क्रिएटर्स को भी लाएगा, और नए क्रिएटर्स को भी चैनल को बूस्ट करता है, हमेशा प्रयास करता है कि आपका चैनल ग्रो करे। तो YouTube जो है गलती नहीं करता है गैस, ठीक है, उसका गलती यहीं पे रहता है थोड़ा बहुत, कि थोड़ा ज्यादा व्यूज देना चाहिए शुरू शुरू में, बहुत कम देता है व्यूज, ये चीज मुझे थोड़ी गलत लगती है शुरू शुरू में गैस। लेकिन आपका अगर पैसेंस हो तो आप YouTube पे निकल जाइएगा और आप अच्छा खासा पैसा भी कमाइएगा। डेली YouTube पे 100 अगर चैनल बन रहे एक आंकड़े के मुताबिक डेली, तो YouTube पे वैसे 1 लाख चैनल बनता है, और डेली 98,000 चैनल बंद भी हो जाता है। तो एक आंकड़ा अगर मैं निकालू कि अगर 1 लाख चैनल बन रहा है, तो 1 लाख में 98,000 बंद हो जा रहा है, और 2,000 जो है वो ग्रो कर जा रहा है। तो 2,000 क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि उस बंदे के पास पैसेंस है। वे लोग जो है यूट्यूब पे आए हैं तो यूट्यूब को अपना करियर मान लिए हैं, एकदम ठान लिए हैं कि मुझे यूट्यूब पे करना है तो करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है वायरल हो जाते हैं और वे उनका चैनल ग्रो कर जाता है, वे लोग पैसा भी कमा लेते हैं। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आप 98,000 लोग में है या फिर 2,000 लोग में है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैंने आशा है आपको बहुत सारा मोटिवेशन दिया होगा, अपने चैनल से रिलेटेड भी बातें बताई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय माता दी, वंदे मातरम। थैंक यू।